Welcome back, and this time we are going to solve sums based on composition of 2SHM. Last lecture में हमने पढ़ा कि 2SHM को हम combine कैसे करेंगे, ठीक है? और फिर resultant देखा कितना value आता है, क्या आता है, सारा study किया, बहुत बड़ा वाला derivation last lecture में हमने किया, ठीक है? तो क्या conclusion था, फटाफट बताइए। दो simple harmonic motion को जब मैं add करता हूँ, resultant motion जो आता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। व्हेन आई ऐड 2SHM आई विल गेट SHM बट विद द न्यू एम्पलीट्यूड R। तो R का फॉर्मूला क्या लिखा था याद करो, इट इज रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos यस Φ1 माइनस Φ2 बराबर है। और इनिशियल फेज का फॉर्मूला क्या आया था, tan इनवर्स ऑफ A1 cos A1 sin Φ1 प्लस A2 sin Φ2 अपॉन A1 cos Φ1 प्लस A2 cos Φ2। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये रिजल्टेंट फेज है। मैं आपको बता दूं, फाइ के बदले आप अल्फा भी यूज कर सकते हो और डेल्टा भी यूज कर सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। एनीवे एनी हाउ यू कैन डू इट कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट मोशन क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही आएगा बट विद अ न्यू एम्पलीट्यूड एंड न्यू इनिशियल फेज, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, डेरिवेशन किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे इसके सम्स, क्योंकि फॉर्मूला देख के खतरनाक लग रहा है यार, मतलब कैलकुलेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी होता है इसका, इतना दिमाग को लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार आप देखो नीचे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें इशू हो जाते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स है, जो साइंस है, साइंटिफिक, वो सॉफ्टवेयर का इशू है तो नहीं आता। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ या फिर उसमें आपको कुछ सिंबल्स इशू लग रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपरली दिया हुआ है। इट हैपेंस बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑल दी सिंबल्स, तो बेसिकली ऐसा किस्सा होता है। तो आप अगर नीचे क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने या फिर उसके कुछ इक्वेशंस में साइंटिफिक सिंबल्स में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये नीचे क्या लिखा है, ये क्या है, ठीक है? तो डरो मत, वो थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में 2 questions दिए हुए हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2 equation आपके सामने दिए, एक है 5 sin 4πt + π/3 और दूसरा है 3 sin 4πt + π/4। 2 equations are given to you and what you have to find, you have to find amplitude, what you have to find, resultant amplitude and resultant initial phase, epoch find करना, amplitude और epoch find करना है। textbook का समय बच्चों बहुत ही अच्छा समय। देखो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जब 2 equation दिए रहेंगे आप उधर ही समझ जाओगे कि भाई ये composition का समय है, तो ज्यादा लोड लेने का जरूरत है। भाई 2 equation दिया मतलब कॉम्पोजिशन का समय, हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फाइन, बराबर है? तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ओके, और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करोगे, x1 is equal to a1 sin omega t plus phi1, phi के बदले अल्फा भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, आपको जो चाहिए। तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 5, लेट अस से SI यूनिट में है सब लोग, सॉरी cg सेंट में, तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, और phi1 की वैल्यू कितनी है, 5/3, है ना? और ओमेगा तो 4π मिलता है, जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओमेगा, तो मैंने वैसे रखा हुआ है, ओके? तो मिल गया। तो दूसरा इक्वेशन ले लो, x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस π2, तो क्या मिलेगा, a2 का वैल्यू 3, कंपेयर कर रहे हो,
और सेंटीमीटर लिख देते हैं, और phi 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, pi by 4। ओके, सो आई होप ये यहां तक क्लियर है। तो मेरे को a1 phi 1 पता चल गया, a2 phi 2 पता चल गया, क्योंकि वही हमें चाहिए ना, a1 a2 phi 1 phi 2 ये सब पता चल गया, तो आप r और phi निकाल सकते हो। तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट, सिंपल है। तो इक्वेशन दिया है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अभी बच्चों मेरा एडवाइस सुनो, आप ये जो टर्म है ना कॉस वाला, वो कैलकुलेट करो, हाँ, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर वो कभी ना कभी मिस्टेक हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो माय एडवाइस इज आप उसको कैलकुलेट करो। तो चलो हम कैलकुलेट करेंगे कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू, तो वो होता है कॉस पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर। एलसीएम आता है बच्चों, क्या एलसीएम इसका, 12, और ऊपर क्या बचेगा, 4 माइनस 3 दैट इज पाई, तो ये कॉस पाई बाई 12। पाई बाई 12 मतलब कितना होता है बच्चा, पाई बाई 12 को आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 12 15 जा 180, तो ये हो गया कॉस 15 डिग्री, कितना हो गया बच्चों, कॉस 15 डिग्री, बराबर है। तो अभी आप क्या करो, नेचुरल कोसाइन निकालो, चलो लॉग बुक निकालो, नेचुरल कोसाइन निकालो, और नेचुरल कोसाइन में आप देखो 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, ओके, फटाफट देखो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या है, आंसर कुछ आएगा कॉस 51 माइनस 52 का आंसर आ जाएगा, देखो चेक किया 0.9659 है कि नहीं, तो कॉस 15 डिग्री अपने को मिला, ठीक है। तो ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, आर, R का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस √a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, बराबर है। चलो फिर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, phi का स्क्वायर, दैट इज 25, ए टू का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू, ये वैल्यू हमें मिल गई है 0.9659, ठीक है। अब मुझे लग रहा है आप इसको आराम से कर सकते हो, अभी टेंशन नहीं आएगा, 25 प्लस 9 कितना होता है, 25 प्लस 9 34 प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 इंटू 0.9659 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड करो, जो भी आएगा उसका रूट फाइंड करो। लॉग कैलकुलेशन को सेपरेट लेक्चर में डालने वाला हूं, तो आप देख सकते हो कि इसके लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, फिर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर लॉगरिथम में डालूंगा ताकि आपको टेंशन ना, पर बार बार मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, बहुत बड़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट लॉगरिथम जो है वो मैं अलग से आपको देने वाला हूं, अगर आपको आता रहेगा या फिर दिया है मैंने, आप चेक कर सकते हो 7.936 इसका आंसर कितना आना चाहिए, एंड दैट इज इन सेंटीमीटर, तो चेक करो, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर 7.936 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी हमें क्या फाइंड करना है, phi, phi क्या है, tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 अपॉन A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2। चलो भाई सब्स्टिट्यूट करो, tan inverse of what is the value of A1? A1 is 5, okay, 5 sin pi by 3 plus 3 sin pi by 4 upon 5 cos pi by 3 plus 3 cos pi by 4, बराबर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया a1 51 a2 52 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा, 5 into sin 60 डिग्री √3 upon 2, आप चाहिए तो इसको डायरेक्टली लिखो 0.866, 3 into sin 45 1/√2, आप लॉग टेबल में देखो या फिर वैल्यू याद रखो 0.7071, 5 into cos 60 डिग्री half मतलब 0.5, अब लॉग टेबल से देख सकते हो, क्योंकि लॉग टेबल से सारे वैल्यूज मिलेंगे, cos 45 क्या है, pi by 4 मतलब 45, cos 45 क्या है, 1/√2, 1/√2 मतलब 0.707, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 6 30. ओके, 3 कैरी योर 5 6 30 31 32 33, 3 कैरी योर 5 8 40 40 plus 3 43, तो 43 है ना, तीन नंबर पहले पॉइंट है, तो 4.330 प्लस इसको ऐड करो क्या होता है 3 7 21 3 1 3 sorry 3 7 21 1 2 carrier 300 ये 2 आ जाएगा 3 7 21. ओके, चार नंबर पहले पॉइंट या फिर ये 1 हटा दो ताकि टेंशन, तीन नंबर पहले पॉइंट है तो ये आ गया. चलो फिर इसका क्या देख लेते हैं आंसर. 5 × 0.55 का हाफ 2.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2.121. सो tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा बताओ, 154.6 अपॉन ये आएगा 4.621. अब इनको डिवाइड करो लॉग से और जो भी आंसर आएगा ओके वो मैं आपको इन दोनों को आपको लॉग से डिवाइड करना है. ठीक है, डिवीजन तो लॉग का बहुत इजी आराम से कर सकते हो, 0.1450 आना चाहिए. देखो इसको डिवाइड करके देखो ये आंसर आना चाहिए. लॉग कैलकुलेशन करना, कैंसी पे चेक मत करना, लॉग कैलकुलेशन ही करना है. ओके, प्रैक्टिस करते वक्त भी टाइम लगा तो भी चलेगा. आंसर आएगा 54 degree 23 minutes. नेचुरल टाइम में जाके चेक करो. ओके, तो ये आपका आंसर है. देखो आपको ये आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है, ये नेचुरल टाइम कैसे फाइंड करने का, मेरा जो टैन वाला लेक्चर है वो देखो, उसको आपके समझ में आएगा कि नेचुरल टाइम कैसे फाइंड, टैन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, सब पता चलेगा. ठीक है, चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट सम. नाउ इन दिस नेक्स्ट सम बच्चों लोग आपको फिर से दो इक्वेशन दिया, आप देख सकते हो x1 = 20 sin pi t एंड x2 = 10 cos pi t. दोनों सेंटीमीटर में, मतलब दोनों cgs यूनिट में, और हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज. ओके, ये हमें फाइंड करना है एपोक. तो चलो स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने लिख दिया इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, चलेगा. तो वेरी फर्स्ट थिंग, यू राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू हैव टू कंपेयर. कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करोगे आप, x1 = a1 sin ओमेगा t. ठीक है, अभी मुझे बताओ A1 की वैल्यू कितनी है. A1 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और Phi1 की वैल्यू कितनी है, Phi1 की वैल्यू है 0. फिर दूसरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी वो कॉस में बच्चों याद रखो, ज्यादा करके ना जो एग्जाम में सम आते ना उसमें एक साइन और एक कॉस ही आपको दिया रहेगा, मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस. मैक्सिमम टाइम दे विल गिव साइन एंड कॉस, सो रिमेंबर कॉस को आपको साइन में बदलना है, जो कॉस है उसको आपको साइन में बदलना है. तो आप कॉस को साइन में कैसे बदलोगे, याद रखो प्रोसीजर, व्हेनेवर यू हैव टू कन्वर्ट कॉस टू साइन यू हैव टू ऐड पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, बराबर है. तो मैंने क्या कर दिया, कॉस को साइन में बदल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1 sin ओमेगा t + 5 a2 sin ओमेगा t + 5, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई डाउट. अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर. तो कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करोगे बच्चों बताओ, x2 = a2 sin ओमेगा t + 5. अब मुझे A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉरी A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 सेंटीमीटर और Phi2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई बाय 2. ठीक है, ये वैल्यूज मिल. अब मैं फाइंड करूंगा cos Phi1 माइनस 5. व्हाट इज cos Phi1 माइनस 5, इट इज cos 0 है ना, Phi1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस पाई बाई
is equal to cos of minus pi by 2. What is cos of minus pi by 2? Cos of minus pi by 2 is cos pi by 2. Cos pi by 2 का वैल्यू कितना होता है? 0. और याद है हमने तीसरा केस एक किया था, वही है कि भाई दो पार्टिकल में फेज डिफरेंस अगर 90 रहेगा तो फॉर्मूला छोटा हो जाता है। तो चलो अपन अगर बड़ा फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 minus phi2, ये फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो r का फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? R का फॉर्मूला क्या आएगा? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इट इज रूट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू है 20। 20 का स्क्वायर कितना? 400। और a2 का वैल्यू कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो ये हो गया रूट ऑफ 500। ये तो आप अच्छे से कर सकते हो। इसका आंसर समवेयर 22.36 एंड दैट इज इन सेंटीमीटर आना चाहिए। चेक करो आपका लॉग कैलकुलेशन से आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा, मैं कंपेयर किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फेज डिफरेंस 90 था, 5 और 5 का फेज डिफरेंस 90 है, फेज डिफरेंस 90 रहेगा तो ये फार्मूला पूरा यहां तक सपोर्ट हो जाएगा, इतना ही आएगा आंसर। चला तो फाइंड कैसे फाइंड करेंगे बताओ, फार्मूला क्या है? एंड इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 upon a1 cos phi1 plus a2 cos phi2। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स ऑफ a1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1? 20, और a2 का 10, phi1 0 है, phi2 5 है, सब्स्टिट्यूट करो, तो 20 sin 0 प्लस a2 का वैल्यू 10 sin phi/2 upon 20 cos 0 plus 10 cos phi/2। sin 0 का वैल्यू 0 है तो ये निकल गया, cos phi/2 का वैल्यू 0 है तो ये निकल गया, sin phi/2 का वैल्यू 1 है, तो phi is equal to tan inverse of 10 into 1 upon cos 0 का वैल्यू क्या है? 1, 20 into 1, ये सब मालूम ही रहेगा, तो tan inverse of क्या हो जाएगा? half, मतलब tan inverse of 0.5। चेक करो, मुझे तो वैल्यू ये लग है 26 डिग्री 34 मिनट्स, ये आपको आंसर आना चाहिए। नेचुरल tan में जाके tan inverse फाइंड करो, देखो आपको ये आंसर आ रहा है क्या। बहुत सिंपल, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल से बहुत सिंपल से समझ, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक और सवाल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट वन, पर पहले ये अच्छे से कॉपी करो एंड लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Yes, my dear students, look at the next sum. Next sum में आपको एक equation दिया है, x is equal to a sin omega t plus b cos omega t, दोनों equation join करके दिया है, मतलब पहले तो समझ जाना है कि ये SHM का sum है। किसका sum है बच्चों? ये SHM का sum है, बोला कि x is equal to a sin omega t plus b cos omega t and composition of two SHM का sum है, a का value दिया है, b का value दिया है, सारे values दिए है, omega दिया हुआ है, हमें v max और a max find करना है। अभी याद रखो, जब कॉम्पोजिशन का सम आता है, दो इक्वेशन को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? आर। तो अभी बेसिकली हमने वीमैक्स का फॉर्मूला पहले लेक्चर में देखा है, वीमैक्स इज ओमेगा ए, बराबर है, वीमैक्स का फॉर्मूला ओमेगा ए, और ए मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, तो वीमैक्स का फॉर्मूला ओमेगा ए है, ए मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए है। बट माय डियर स्टूडेंट, जब मैं कॉम्पोजिशन का सम करता हूं, ये एक पॉइंट याद रखो, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन का सम, इसमें दोनों इक्वेशन आपको जॉइन करके दिया हुआ है, तो व्हेनेवर कॉम्पोजिशन का सम दिया रहेगा तो एम्पलीट्यूड ए नहीं होता है, एम्पलीट्यूड होता है आर, एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट इज आर। तो ये पॉइंट के ऊपर आप दिमाग लगाओ कि वी मैक्स का ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आर रहेगा, तो अगर मुझे वी मैक्स और एमएक्स ओमेगा तो उसने ऑलरेडी रेडीमेड बना के दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है? आर। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, ओके सॉल्यूशन चालू करते हैं। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन, x is equal to 3 sin 2t plus 4 cos 2t। चलो x is equal to 3 sin 2t plus 0 plus 4, cos को किस में बदलेंगे बच्चों? sin में, 2t plus and it is going to be pi by 2। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले, कंपेयरिंग विद, ओके x is equal to a1 sin omega t plus phi1 plus a2 sin
ओमेगा टी प्लस बाय टू, क्योंकि कंबाइन करके दिया। तो ए वन का वैल्यू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ए टू का वैल्यू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, फाइ वन का वैल्यू कितना आएगा 0, फाइ टू का वैल्यू कितना आएगा पाई बाय टू। देखो कंपेयर करो, बराबर है। अब ये कंपेयर करने को तो आएगा ना, ए वन का वैल्यू 3 है, फाइ वन का वैल्यू 0 है, ए टू का वैल्यू 4 है, फाइ टू का वैल्यू पाई बाय टू है। अब मुझे बताओ फाइ वन और फाइ टू में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो आर का फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करूं, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, क्योंकि आगे का लिखने का जरूरत नहीं है, फेज डिफरेंस 90 रहेगा, तो आर का फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। तो रूट ऑफ व्हाट इज ए वन, इट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, एंड व्हाट इज ए टू 4 का स्क्वायर, इट इज 16, तो आंसर इज रूट ऑफ 25। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आर का वैल्यू। वंस यू गेट आई, अभी मुझे बताओ वी मैक्स फाइंड करना इजी हो जाएगा, यस और नो, दैट इज 2 × 5, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इधर आएगा 2 का स्क्वायर इनटू 5, दैट इज 4 × 5, आंसर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये चीज याद रखना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वी मैक्स पूछ सकते हैं, ए मैक्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जब भी कॉम्पोजिशन का समय आएगा रेगुलर फॉर्मूला में ए के बदले क्या आने वाला है आर, तो ये चीज भी आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव डन विद द सम्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट, दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन वाले सम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना, राइट आंसर लेके आना है, और बहुत 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 इसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।